सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के भटई में हुए पूर्व सड़क हादसे में घायल एक महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई है। मृतका रोशन तारा खातून थी। इस हादसे में चार लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है, जबकि घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल महिला रोशन तारा खातून की सोमवार की देर रात गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी। इस घटना में घायल दूसरा असदुल्ला खान की हालत भी गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना था कि डॉक्टरों ने उसे भी जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा हुआ है। घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इसके पूर्व हुए सड़क हादसे में कौशल खातून व शेख टुनटुन के साथ गर्भ में पल रहे दो गर्भस्थ शिशुओं की भी मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटना की जांच अभी जारी है। घटना में शामिल किसी भी दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।